लीनियर लगता है इसके सामने सामने, या तो कोई कोई ग्रिल भी लगवाता है, डायरेक्ट ग्रिल लग जाती है, ग्रिल को यहाँ मक्फी बोलते हैं। यहाँ इतने में चार मशीन है, मशीनें यहाँ की छोटी छोटी रहती हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं रहती हैं। जैसे देखिए ये लाइन, ये देख सकते हो भाई, एक लाइन से डक्टिंग लगा हुआ है यहाँ, ये पूरा ये स्विमिंग पूल वाला एरिया है। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे यार। तो मेरे भाई, एक मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे भाई जैसे, उन्होंने मेरे को कमेंट करके पूछा था या एक मैसेज करके पर्सनली पूछा था कि भाई अगर जो हम कुवैत में डक्ट फिटर में आते हैं या तो क्या करना पड़ेगा, और डक्ट फैब्रिकेटर में आते हैं तो क्या करना पड़ता है, मतलब फैब्रिकेटर और फिटर दोनों एक जैसा काम करते हैं या एक फिटिंग करना पड़ता है, कटिंग करना पड़ता है, दोनों करना पड़ता है या खाली फिटिंग करना पड़ता है। डक्ट के बारे में, डक्ट का वर्क, जो डक्टिंग का काम मैं अभी करता हूँ, तो मैं भाई अभी इस मैं जहाँ काम कर रहा हूँ उसी जिले में हूँ, कोईटी का घर है उसी घर में ही हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि डक्ट फिटर में आपको क्या करना पड़ेगा और डक्ट फैब्रिकेटर में क्या करना पड़ेगा। भाई तो पहले मैं बता दूं आप लोगों को, डक्ट फैब्रिकेटर में अगर जो आप आ रहे हैं तो आपको, जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको वर्कशॉप पे रखेगा, आपकी वर्कशॉप पे ड्यूटी रहेगी, और जो आप फिटर में आ रहे हैं तो फिटर में आपको क्या करवाएगा, कैसा करवाएगा, कैसा डक्टिंग लगता है, कितना हाइट रहता है, क्या क्या रहता है, और डक्टिंग कौन सी रहती है, सब बताऊँगा। तो बने रहे वीडियो में, चलिए फिर आप लोगों को डायरेक्ट डक्टिंग दिखाता हूँ। तो भाई देखिए, ये कुछ रहता है राइजर का, यहाँ से डक्टिंग जाती है ऊपर, और ये रहा डक्ट, यहाँ से डक्ट, ये ऐसा डक्ट है, इसे नॉर्मली डक्ट यहाँ आता है, सब 24 गेज का रखता है डक्ट, ये सब ज़्यादा हार्ड वाला डक्ट नहीं रहता है। और अभी और मैं अभी और आगे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो ये पूरा सारा डक्ट पड़ा है, बस ऐसे आता है, इसको रेडी करके लगाना रहता है, मतलब रेडी आपको साइड पे ही करना पड़ता है, अपना स्टेट रहा, इसमें आपको मुड़ाई करना पड़ता है, यूजेड जो यहाँ यहाँ ज़्यादा यूजेड का काम चलता है। देखिए, और यहाँ का जो इंसुलेशन है वो पीला वाला रोल जो अपना खुजली वाला होता है वो होता है, और ये रही अपनी डक्टिंग। और अपना भाई सिलिकॉन ये वाला यूज होता है, जो कि देखिए बहुत हार्ड रहता है सिलिकॉन, ये देखिए एक बार लग गया तो छूटता नहीं है, बहुत हार्ड रहता है। और भाई इंसुलेशन की बात करें तो इंसुलेशन ये वाला रहता है, ये खुजली वाला है, बहुत पीला 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 जल रहता है, लेकिन बहुत खुजली करता है। और ये रहे अपना यूजेड, यूजेड ऐसा रहता है, देख लीजिए, आप लोग देखे रहेंगे जो डक्ट का काम करते हैं, यही सब जॉइंट चलती है, बस प्लान जॉइंट इधर चलता नहीं। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ कि डक्टिंग लगी कहाँ है। और सपोर्ट भाई ये वाला यूज होता है, देखो सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ये वाला यूज होता है। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ कि डक्टिंग कहाँ कैसे लगी है और कहाँ लगी है और कैसे लगती है। ओके, तो ये देख सकते हो भाई, एक लाइन से डक्टिंग लगा हुआ है यहाँ, ये पूरा ये स्विमिंग पूल वाला एरिया है, और मैं अभी ये बेसमेंट का एरिया आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हो इस तरीके से डक्टिंग लगती है कुछ यहाँ पे, ये पूरा डक्ट ही लगा है यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक आप देख रहे हैं। यहाँ इतने में चार मशीन है, मशीनें यहाँ की छोटी छोटी रहती हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं रहती हैं। जैसे देखिए ये लाइन का पूरा एक ही मशीन है, और इसी तरीके से डक्ट लगता है। देखिए सपोर्टिंग का यहाँ 6 mm का रॉड यूज होता है, और बस अपना ये लोखंड का एंगल रहता है, बस ऐसे नॉर्मली डक्टिंग लगती है। और ये वो मैं बता रहा था ना, ये इंसुलेशन जो होता है ये जगह पे होता है, इसमें ग्लू भी नहीं लगाते हैं, और ये खाली सिर्फ आजल है, मतलब आजल बोलते हैं इंसुलेशन, यहाँ पे पट्टी मार देते हैं बस, और आपका मशीन इधर पे लग जाएगा। बस यहाँ पे लीनियर लगता है इसके सामने सामने, या तो कोई कोई ग्रिल भी लगवाता है, डायरेक्ट ग्रिल लग जाती है, ग्रिल को यहाँ मक्फी बोलते हैं, और लीनियर भी कोई कोई लगवाता है, तो इसमें तो लीनियर है। और ये बाजू में रहा समंदर, अगर जो आपको समंदर वाला वीडियो चाहिए तो बताइए, इस पर ब्लॉग बना दूंगा। ये देखिए दो मशीन इधर भी है छोटी छोटी, एक मशीन ये रही, एक मशीन ये, इसमें से सब लीनियर है, डक्ट का काम ऐसे ही होता है। तो भाई अगर जो आप फिटर में आते तो आपको इसी नॉर्मली फिट करना रहता है डक्टिंग, बस और कुछ नहीं करना रहता। हाँ, अगर जो साइज में थोड़ा बड़ा छोटा हो गया तो आपको कट करना रहता है, बस देखिए और कुछ नहीं है। हाँ, फैब्रिकेटर में आएंगे तो आपको वर्कशॉप पे काम करना पड़ेगा, बाकी देखिए कुछ है नहीं, ये नॉर्मली सपोर्टिंग का है, ऐसे फिट करना रहता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा, अगर जो आपको कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट करें, इंशाल्लाह उस वीडियो में कोशिश करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मोहम्मद।